नमस्कार साथियों, मैं आदर्श सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। 2024 का लोकसभा का चुनाव समाप्त होने के कगार पे है। यह चुनाव 7 चरणों में कराया गया, जो कि आज 7वां चरण का मतदान चल रहा है। शुरू से ही खबर आ रही है कि इस बार चुनाव में वोट प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है और आज शाम 5 बजे के बाद से टीवी के सारे न्यूज़ चैनल तांडव मचाएंगे एग्जिट पोल के नाम पर। हर न्यूज़ चैनल का अपना तरीका है लोगों से बात करके अपना अनुमान लगा के यह बताना कि किसकी सरकार बन रही है, परंतु कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपना आकलन लगाएं। इस बार वोटर का मूड क्या था और उन्होंने किसको पसंद किया है, किसको ना पसंद किया है, कौन कितनी सीट पा सकता है। नंबरों के आधार पर देखें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 और कांग्रेस को 54 सीटें मिली थी। 7-8 राज्य ऐसे थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट था, लगभग 100%। जब हम लगभग 100% कहते हैं तो वह 90 से 100 के बीच में आता है। कहीं पे एक सीट हार जाना, कहीं पे 2 सीट हार जाना या पूरा पा जाना, तो उसको हम लगभग 100% स्ट्राइक रेट मानते हैं। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब राज्यों में बीजेपी का लगभग 100% स्ट्राइक रेट था। अब इन राज्यों में तो कुछ सीट बढ़ नहीं सकती क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 है, क्या ही बढ़ेगा। किसी एक आध दो राज्य में एक आध दो सीट कम है तो हम इसको नहीं छुएंगे। बाकी जो अन्य राज्य बचे जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, जो बड़े राज्य हैं, यहाँ पे अगर 10% वोटर भी भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं या जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं वो बीजेपी को ही वोट करें, प्लस 10% नए उसमें जुड़े, तो हमारा अनुमान है कि इस बार भाजपा को लगभग 348 से 358 सीटें मिल सकती हैं। परंतु अगर यही 10% वोट कम हो जाए, जो कि तमाम मीडिया चैनलों का कहना है कि इस बार भाजपा के पक्ष में वोट कम पड़ रहे हैं, या तमाम ऐसे राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि भाजपा इस बार वोटरों को लुभा नहीं पा रही है, उसके लोक लुभावन मुद्दे मीडिया से गायब हैं या लोगों के बीच से गायब हैं, कई अन्य मुद्दे उनके ऊपर हावी हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यह माने कि जहाँ पे 100% स्ट्राइक रेट है उसको एज इट इज रखें कि भाजपा वहाँ उतनी सीट पाएगी, परंतु अन्य राज्य जहाँ भाजपा को गेन करना चाहिए था वहाँ पे अगर भाजपा 10% अपनी वोट गंवाती है तो 248 से 258 सीटें भाजपा की आएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक राज्य में लोगों के मुद्दे अलग हों, दूसरे राज्य में एकदम अलग हों। कहने का मतलब ये है कि अगर तमाम राज्यों में 10% वोट कम होगा तो जहाँ पे 100% स्ट्राइक रेट है तो वहाँ पे 100% तो रह नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा। अगर हम मान लें कि जहाँ पे भाजपा का 100% स्ट्राइक रेट था वहाँ पे 5% की गिरावट आती है, यह मानते हुए कि वह भाजपा के हमेशा से भाजपा के स्टेट रहे हैं, वहाँ पे भाजपा का हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो वहाँ पे 10% असर नहीं करेगा तो 5% तो करेगा, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं या कांग्रेस ही वहाँ पे अच्छा कर सकती है। तो वहाँ पे अगर हम 5% का गिरावट मानते हैं और अन्य राज्यों में 10% की गिरावट मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाजपा 190 से 200 सीट पर रुक जाएगी। अब या तो 4 जून को पता चलेगा कि सच में क्या होता है, लेकिन अगर नंबरों का जादू देखें तो इसी ओर इशारा करते हैं। अब यह आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में भाजपा के वोटर बढ़े हैं या घटे हैं। अगर बढ़े हैं तो भाजपा एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी 400 पार का नारा एक झूठा नारा ही लगेगा अगर 10% भी बढ़ जाती है।
इन सब आंकड़ों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आएंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।